सरोकार। हिमाचल में सीएम योगी आज जनसभा को संबोधित करेंगे, समलाना ज्वाली में चुनावी जनसभा करेंगे। एक से आठ तक के बच्चों के स्कूल जाने पर रोक, बच्चों की ऑनलाइन कराई जाएगी पढ़ाई। अब तक मिल चुके हैं 91 नए मरीज, अभी भी 14 एक्टिव केस डेंगू के। त्योहारों के दौरान बढ़ी थी कीमत, लखनऊ, वाराणसी, बाराबंकी, अयोध्या, कैंट समेत कई स्टेशनों के नाम शामिल। टेस्ट किट उपलब्ध कराने में छूटे स्वास्थ्य विभाग के पसीने, लोगों को किट मिलने में हुई परेशानी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। कानपुर देहात के मूसा नगर में डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मूसा नगर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति आश्रम में चल रहे सतचंडी महायज्ञ समेत भक्ति योग वेदांत संत सम्मेलन में शामिल हुए। डिप्टी सीएम ने कथा के मंच पर पहुंचकर पूजा अर्चना की, साथ ही मंच के सभी गुरुजनों को प्रणाम किया। वहीं पर डिप्टी सीएम और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने मनरेगा पार्क, अमृत सरोवर पानी की टंकी समेत 9 करोड़ रुपए की परियोजना का लोकार्पण किया। गोला के उपचुनाव में कमल खिल रहा है, हिमाचल में कमल खिल रहा है, गुजरात में कमल खिल रहा है, हिमाचल और गुजरात में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी और गोला के उपचुनाव में भाजपा का विधायक। सर, प्रोजेक्ट में डेंगू फैल रहा है, डेंगू के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई, मतलब की जा रही है, उसमें छिड़काव की, दवा की, इलाज की सारी। लखीमपुर में गोला विधानसभा का उपचुनाव संपन्न होते ही विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। बता दें कि सपा प्रबुद्ध सपा के जिला अध्यक्ष विनय मिश्रा ने विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह पर मारपीट करने व मोबाइल तोड़ देने का आरोप लगाया। इसके साथ ही आरोप ये भी है कि बूथ पर विधायक लोकेंद्र पहुंच कर अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं और विरोध व वीडियो बनाने की पर मारपीट करने लगे। वहीं सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अनुराग पटेल ने आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने के मामले में चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग की है। मैंने कई बार कहा है कि कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनकर के प्रशासन रह गया है। जिस तरीके से अभी हम लालापुर गए थे, लालापुर में जो स्थिति आई है निकल के, कि वहाँ पूरी तरीके से जो गुंडागर्दी की गई और वहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के एजेंट सूबे बनने के लिए गए थे, उनको विधायक जो हमारे पूर्व विधायक हैं उनके भतीजे आशुतोष गिरी प्रताप सिंह जी हजरतपुर पोलिंग बूथ पर गए, उसके बाद सिकंदराबाद पोलिंग स्टेशन पर पहुँचे, जहाँ पर वो उनको दरोगा जी बाकायदा सम्मानजनक तरीके से एक एक बूथ पर ले जा करके चेक करा रहे हैं। सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति आचार संहिता के नियम के हिसाब से वो कहीं पर भी किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकता है, लेकिन वो सड़कों पर घूम रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं है, सत्ता पक्ष की हनक चल रही है। हमारे कार्यकर्ता साथी ने जब उनको रोकने का काम किया, वीडियो बनाने की बात करी, करने लगा, तो उसको मारा भी उनके साथियों ने है, उसका मोबाइल तोड़ दिया। चुनाव देख रहे थे, बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहा था, अचानक से विधायक जी का काफिला आया और विधायक जी के साथ कई लोग अंदर घुसे। कौन विधायक? विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह, मोहम्मदी से वर्तमान विधायक हैं। सब लोग अंदर घुसे तो हमने जो वहाँ पे पुलिस प्रभारी थे उनसे भी बात करी कि ये विधायक जी अंदर क्या करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि विधायक हैं इसलिए जा रहे हैं। तो हमने कहा विधायक यहाँ के तो हैं नहीं, मोहम्मदी के विधायक हैं, आप इनको बाहर करिए। तो इंचार्ज साहब की हिम्मत नहीं हुई उनको बाहर करने की, तो हमने वीडियो बना लिया उनका। वोटिंग हो रही है, सत्ता के मोहम्मदी से
भारतीय जनता पार्टी के विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह सिकंदराबाद बूथ पे आकर के बूथ के अंदर जा कर के वहाँ चुनाव को प्रभावित करने की मंशा से उनके साथ में और भी कई लोग थे, उन लोगों ने वहाँ ज़बरदस्ती वोट डालने का प्रयास किया। हमारे पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया, उससे उन्होंने जो है मारपीट की, उसका कॉलर खींचा, थप्पड़ भी मारे और झगड़ा होते होते वो लोग आए यहाँ, जिसको देखो तिसको मारते हैं। कौन लोग आए? यही पुलिस वाले, यहाँ के कर्मचारी लोग जो वोट डरवा रहे हैं, यहाँ गाड़ी आ रही बेर बेरे हैं, गांव में पीटते आकर। क्यों क्यों क्या कारण कारण का? आप ये भीड़ है लग जाती, दो चार लोग खड़े हो जाते हैं और जिसको देखो तिसको गाली देते हैं, जिसको देखो मारने लगते हैं। आपको भी मारा? आपको भी पिटाई की? हाँ, हमको मार गए। कौन से लोग? यहीं के कर्मचारी लोग। चिंटू में आपस में बच्चों को लेके विवाद हुआ था और यहाँ ना भाजपा ना सपा की कोई बात नहीं थी और पोलिंग सच बहुत बढ़िया चल रहा था, उसको लेके यहाँ पे कुछ लोगों ने भाजपा सपा का बताया कि साइकिल के आदमी ने भाजपा आदमी को हाथ तोड़ दिया। हमारे संवाददाता धीरज हमसे जुड़ेंगे। धीरज, गोला गोकरनाथ सीट के लिए उपचुनाव खत्म हो चुका है तो वहीं सपा प्रबुद्ध सपा के सभा के जिला अध्यक्ष विनय मिश्रा ने विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह पर मारपीट का आरोप लगाया है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, लखीमपुर खीरी की गोला विधानसभा 139 में उपचुनाव था, वो पूरी तरीके से सकुशल सम्पन्न हो गया, लेकिन वहीं पर अब सपा की तरफ से कई उनके कार्यकर्ता व जिला अध्यक्ष व सपा जो प्रत्याशी थे विनय तिवारी, अन्य उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा सीधी तौर से आरोप लगाया गया है कि जो उपचुनाव में वोटिंग के समय में धन्यवाद धीरज। इन दिनों फरीदाबाद में और उसके आसपास की हवा बेहद जहरीली हो चुकी है। फरीदाबाद में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज फरीदाबाद में AQI लेवल 550 है, जो खतरे के निशान पार कर गया है। जहरीली हवा की वजह से कई प्रकार की बीमारियां का भी खतरा पैदा हो गया है। बिगड़ते AQI को देखते हुए बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर विकास गोयल ने बात की गई तो उन्होंने बताया कि फरीदाबाद में AQI लेवल की स्थिति बिगड़ रही है, साथ ही सिविल अस्पताल बादशाह खान में बीमार हो रहे बच्चों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा शहर के आम लोगों का भी कहना है कि एयर क्वालिटी खराब होने की वजह से सांस लेने में काफी मुश्किल हो रही है। स्मोक की वजह से बेसिकली बच्चों में ज़्यादातर जो परेशानी आ रही है वो सांस से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनकी आ रही है, खांसी, जुकाम होना, नाक बहना, नाक की एलर्जी होना और किसी किसी को सांस लेने में दिक्कत होना और उसके साथ किसी किसी को वॉमिटिंग भी हो जाती है। तो परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है बड़े बुजुर्गों को सांस लेने में, आँखों में जलन हो रही है, खांसी आ रही है लोगों को, मौसम वैसे भी जो है सर्दी जुकाम का चल रहा है, इसे कफ जमा हो रहा है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं मास्क लगा के आते हैं तो सांस नहीं ले सकते, निकालते हैं तो धुआं धुआं ही ले रहे हैं, हर तरफ जो है कहीं कुछ जल रहा है कूड़ा तो कहीं चिमनी के धुएं निकल रहे हैं, तमाम परेशानियां हैं। इस पर सरकार को जल्दी जल्दी ध्यान देना चाहिए और रोक लगानी चाहिए। विकास जी, फरीदाबाद में लगातार पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ रही है, क्या दिक्कतें आम लोगों के लिए आ रही है, क्या कहेंगे? मैं पोल्यूशन की मात्रा तो फरीदाबाद में दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, ये तो हमें भी दिख रहा है। सुबह सुबह जब हम स्कूल जाते हैं बच्चों को छोड़ने तो बहुत धुंध छाती है, ये सब कारण बड़ी बड़ी कंपनियों की चिमनी से है और ये जो पराली वराली जल रही है उससे भी पोल्यूशन ज़्यादा हो गया है। पर लेकिन हम कंपनियों को ज़्यादा देंगे क्योंकि वो अपने सरकार जो उन्होंने लेवल दे रखा है सरकार ने उनको, वो अपने लेवल से ज़्यादा ही पोल्यूशन क्रिएट कर रही है।
रायबरेली ऊंचाहार विकास खंड के कोटरा बहादुरगंज गांव में प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारियों के ऊपर ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि नमामि गंगे योजना के तहत नाली इंटरलॉकिंग कार्य में पीला ईंटा एवं गंगा की बालू से जुड़ाई की जा रही है। गुणवत्ता विहीन कार्य की शिकायत ऊंचाहार उप जिला अधिकारी से ग्रामीणों ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया था और ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ शिकायत की। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन है। बीज आरसीसी से उसको इतनी ऊंची बना रहे हैं, आरसीसी से एक फीट ऊंची बंबी रखी गई है। उसके बाद समस्या इस बात की है कि इतनी धूस्त बनाई जा रही जिससे कि इसे पानी नहीं निकल पाया, जिसमें पीला ईंटा की जुड़ाई हो रही, बालू की गंगा बालू की जुड़ाई हो रही है। इसलिए हम लोगों की दिक्कत चल भी नहीं पाएगी और हम लोगों को दिक्कत, हमारे घर में पानी जाएगा, पूरे टोला का पानी निष्कासित ख़त्म हो जाएगा। ये सब समस्याएं हैं सर, और यहाँ के अधिकारियों से हमने 20 तारीख को इसका एप्लीकेशन दिया, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं, अधिकारियों की मिली भगत से ऐसा हो रहा है। ये बम्बी बहुत ऊँचे बनाई जा रही है जिससे हमको हमारे पास हमारे दरवाजे के सामने नल लगा हुआ है, नल का पानी जाने का रास्ता नहीं है, ना नाली है, और हमको पानी रास्ते में फेंकते हैं तो लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, गाली गलौज होती है, झगड़ा भी हो जाता है। और हम इसको ये सोच रहे हैं कि नाली थोड़ा सा नीचे, जब नाली बनाई ही जा रही है इतने लागत से, इतने मतलब गवर्नमेंट के पैसा जब खर्च ही हो रहा तो थोड़ा और अच्छे से बने। क्या इसमें किस चीज़ का प्रयोग किया जा रहा है इस नाली में? अभी इसमें सब टूटा फूटा दिख रहा है, सब जब अच्छा नहीं बनेगा तभी तो टूटेगा। अगर अच्छा बनेगा कैसे मटेरियल क्या प्रयोग किया जा रहा है इसमें? अरे गंगा बालू और ये मोरंग और पीला ईंटा का प्रयोग कर रहे हैं। किया जाए और कुआं का पानी की निकास नहीं, कुआं मकान के अंदर पानी जाता बारिश वाला और कुआं के अंदर जाता, जो काम हो मतलब ठोस होना चाहिए। नहीं तो ये जो बम्बी का काम चल रहा है क्या है, मानक में हो रहा है कि मानक के विपरीत हो रहा है? ये मानक में नहीं है, विपरीत हो रहा है। इसमें किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है? अरे इसमें तो मतलब ये पीला ईटा से है, उससे है, बालू से है और यही सबसे है। ऊपर करके डाल रहे हैं और पीला ईटा और बालू की जुड़ाई हो रही है, बाकी सब मकानों का के अंदर पानी जाएगा बारिश का। तो ये जो काम चल रहा है ये मानक में हो रहा है कि मानक से विपरीत हो रहा है? मानक से विपरीत हो रहा है। किस चीज़ की जुड़ाई हो रही है, किस चीज़ से? बालू से जुड़ाई हो रही थी। ईंटा इसमें कितने नंबर का प्रयोग किया जा रहा है? ईंटा सर। आपने इस संबंध में शिकायत किया है किसी अधिकारी? गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में गालीबाज कार चालक का वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक ड्राइवर ने ट्रक चालक के ट्रक का शीशा लोहे की रॉड मारकर तोड़ दिया और अभद्रता करने लगा। बता दें कि ट्रक और कार की मामूली टक्कर हो गई थी जिस पर कार चालक ने बवाल काट दिया। यही नहीं, जब मामला थाने पहुंचा तो थाने में भी आरोपी ने पुलिस के सामने ट्रक चालक को 3 गोलियां मारने की धमकी दी और लगातार अभद्रता करता रहा। वहीं पुलिस भी तब हरकत में आई जब वीडियो वायरल हुआ। वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। क्षेत्र में एक डंपर चालक और एक कार चालक, इनके आपस में टक्कर हो गई। उसके बाद उनमें कहासुनी हो गई और इसमें कार चालक ने डंपर चालक को धमका के उसका गाड़ी का शीशा तोड़फोड़ कर दिया। उसके बाद उसकी वीडियो वायरल हो गई और उसके बाद मुरादनगर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार करके एक मुकदमा पंजीकृत कर दिया है। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में खाकी की कार्यशैली से पुलिस विभाग की छवि लगातार धूमिल हो रही है। जानकारी के मुताबिक एक पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर न्याय की गुहार लगाने पहुंचा, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित परिवार की बात सुनकर न्याय दिलाने की बात कही। बता दें कि लालगंज कोतवाली क्षेत्र के
हसनापुर गांव निवासी राजकुमारी के पुत्र रामपाल व पड़ोस के कुछ बच्चों के बीच विवाद हो गया था, जिस पर पीड़िता अपने पति के साथ कोतवाली में शिकायत करने पहुंची, जहां पर मौजूद 3 सिपाहियों ने उससे 10,000 की रिश्वत मांगी, जिसे देने में पीड़िता ने असमर्थता जताई तो सिपाहियों ने पीड़िता के पति पर मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। उसके बेटे के खिलाफ भी मुकदमा लिख लिया गया। फतेहपुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिजली विभाग में भ्रष्टाचार के चलते रीडिंग स्टोर का मीटर में डिस्प्ले दिखना बंद हो गया। बता दें कि कुछ दिन पहले एक उपभोक्ता ने विभाग में शिकायत करने पहुंचा। उपभोक्ता ने 40,000 रीडिंग डंप करने की बात कही, जिसका ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसको लेकर विभाग की तरफ से मामले में लीपापोती की गई। जानकारी के मुताबिक कई दिन बाद इस मामले में पैसे लेकर 40,000 रीडिंग स्टोर करने की बात कबूली। वहीं मीटर बदलने के मामले विभाग सेटिंग कर मामले की कोशिश कर रही है। क्या कुछ पूरा मामला है, आइए सुनते हैं। वो अपना करा लिए जैसे। हाँ हाँ ठीक है, उसका वीडियो है, फिर हम अपने हिसाब से उसको देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे इसमें नजर में अभी पता चला हमें, तो उसको जो है हम अपने हिसाब से देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 40,000 रुपए उसको जो है हम देख लेते हैं। हमने कहा एक बार तुमसे बता दें, मतलब आपने ये तो नहीं करवाया। नहीं कराए, वो अपना जो भी कराए हो तुम ले निकालो, अब कल आना, बस वो 500 रुपए दे देना, अपना बाकी जो चाहो करो। मैनपुरी में पुलिस विभाग की तरफ से जिले को अपराध मुक्त करने के लिए पिर्यावाक किया जा रहा है। इसी कड़ी में थाना कुरावली पुलिस ने नवीन मंडी अंडर बाईपास के पास वाहन चेकिंग के दौरान शातिर अपराधी सलमान को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक थाना कुरावली में अपराधी 25,000 का इनामिया है और अपराधी पर 514, 21 धारा 547, 548 और 139, 307 का ही मुकदमे दर्ज हैं। थाना कुरावली पुलिस की और हमारी एसओजी टीम की एक बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। इसमें ये लोग चेकिंग कर रहे थे, इनको सूचना थी बदमाश के आने की, चेकिंग कर रहे थे तो एक मोटरसाइकिल पे दो बदमाश आते हुए दिखाई दिए। जैसे ही इन्होंने रोकने का प्रयास किया, वो बदमाश फायर करते हुए पुलिस पार्टी के ऊपर भागने का प्रयास किए हैं। पुलिस बल जो वहाँ पे मौजूद था, उसने भी बड़ा ही हिम्मत का परिचय देते हुए अपने को बचाते हुए क्रॉस फायरिंग की है और उसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसको दौड़ाकर गिरफ्तार कर लिया। बुलंदशहर के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला धमेडा अड्डा रोड पर अरविंद ज्वेलर्स नाम की शॉप पर दो अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने दुकान पर बैठे दुकानदार राहुल को गोली मार दी। गोली लगने से राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से घायल युवक को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस के आला अधिकारियों ने घटना का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच